ना दूध, ना मावा, ना चीनी, ना गुड़। घर में पड़े हुए 3 से 4 पके हुए केले से इतनी स्वादिष्ट मिठाई कि जिसको एक बाइट खाने के बाद आप जानबूझकर केले बचाने लगेंगे और बार बार इसी मिठाई को बनाएंगे। हम सभी के घर में अक्सर केले आते ही रहते हैं और अक्सर 3-4 केले हमें बच ही जाते हैं और पड़े पड़े काले हो जाते हैं। पके हुए केले देखकर बच्चे भी खाना नहीं चाहते, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट घर के सामान से बनने वाली ऐसे पके हुए केले की बर्फी, जिसको आप एक बार खाएंगे तो उसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 केले ले लिए हैं। ये ज़्यादा कच्चे नहीं है, पके हुए केले हैं, तो इसको हमने छील लेना है अच्छे से। और इसको छीलने के बाद हमने एक ग्राइंडर में से इस तरीके से काट के आपने इसे डाल देना है और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम फाइन होना चाहिए। इसे रुक रुक कर आप चलाएं और इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरीके से आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए इसका पेस्ट तैयार है। उसके बाद हम एक कढ़ाई में घी ले लेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया हुआ है और घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मेल्ट होने के बाद हमने इसमें काजू, बादाम और पिस्ता लिया हमने, इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाए। और जब ये हल्के हल्के फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसे हमने पहले नहीं काटा है, नहीं तो इससे जो घी है वो ख़राब हो जाता थोड़ा, तो इसको हम निकालने के बाद ही बारीक बारीक काटेंगे। तो ये देखिए हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने उसी घी में हमने यहाँ पर 1 कप आटा ले रखा है। ये सबके घर में अवेलेबल हो जाता है आटा, तो घर की चीज़ों से बनाएंगे हम इसे और इसे हम इस तरीके से भून लेंगे। इसे हमने तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो एकदम ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे भूनते रहना है और इसमें से हल्की हल्की खुशबू नहीं आती जब तक। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे चलाते रहना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है हल्का हल्का और इसमें से अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आने लग गई है। ये देखिए इसको आपने रेगुलर चलाते रहना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 1/4 कप सूजी ले ली है और सूजी को भी हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम इसको भी अच्छे से भुनेंगे। अब दोनों को हमने मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए भुनना है, जब तक इसका कलर डार्क नहीं हो जाता एकदम। ये देखिए एकदम से डार्क हो चुका कलर इसका और इसको आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखिए इसमें जो हमने केले का प्यूरे बनाया हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया है और उसके बाद हम इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको आप जल्दी जल्दी मिक्स करें नहीं तो एकदम से हार्ड हो जाता है। ये देखिए इसको आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है और आप चाहें तो इस स्टेज पर आप 1 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि घी में जो मिठाई होती है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे इसमें, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम चलाते रहेंगे। तो चलिए जब तक ये होता है तब तक हम इसकी जो है चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम चाशनी चीनी से नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हमने चाशनी बनाने के लिए मिश्री का यूज़ कर रखा है, जो धागे वाली मिश्री होती है। वो भी मिश्री भी हमने ज़्यादा नहीं ली है, कम ली है। इस कप से हमने 2 कप पानी डाल देना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है हमने। तो ये देखिए मैं कम चीनी में बना रहा हूँ, आप अब चीनी अपने हिसाब से डालें। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे, कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए हमारी चाशनी तैयार है। उसके बाद जो आपकी चाशनी है, चाशनी आपने इसमें डाल देनी है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड जो हमने चाशनी में कलर डाला था उस कलर की वजह से
बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसमें। जब ये बनेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि डोडा बर्फी है, जो मार्केट में मिलती है डोडा बर्फी। तो इसको आप चलाते रहें। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स को हमने बारीक बारीक काट लिया था और इसको उसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और एक दो मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए जो हमारा मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ने लग गया है। तो इस स्टेज पर हम अपना गैस ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है और थाली में हमने घी स्प्रेड कर दिया है हल्का हल्का, ताकि ये अच्छे से निकल जाए बाद में। और उसके बाद हमने इसे, जो हमने बर्फी का मिक्सचर बनाया हुआ है वो इसमें डाल देंगे और इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसी थाली में हम इसे सेट करेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से ये सेट कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे आप एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो ये देखिए एक घंटा ऐसा हो गया है फ्रिज में। और इसकी अब कटिंग कर लेते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसी बनी हुई है बर्फी। तो ये देखिए अच्छे से कट जा रही है आराम से बिल्कुल, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप घर में इसे आसानी से बना सकते हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर ये आसानी से बन जाती है, बस इसे सेट होने में टाइम लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया बर्फी लग रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी आपको, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।